अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टिक टैक में खुश आमदीद। नया वक्त नई टैक, जहां मैं आपके लिए लाता हूं दुनिया भर से ताजा तरीन टेक न्यूज मलाई मार के। और हमारी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ अब बनाएगी रोबोट्स, गूगल की अपने टेंसर चिप के साथ मार्केट में एंट्री, शाओमी करने जा रहा है अपने मी ब्रांड को खत्म, और व्हाट्सएप जल्द आ रहा है आपके आईपैड्स और एंड्रॉयड टैबलेट्स पे। लेकिन उससे पहले रोल दैट इंट्रो। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली न्यूज है टेस्ला के रोबोट पे। जैसा कि आप जानते होंगे, टेस्ला इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी है। टेस्ला के फाउंडर हैं इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के साथ साथ और भी कंपनीज चलाते हैं, जिनमें है स्पेसएक्स, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, और इलॉन मस्क इस कंपनी के जरिए हम सबको मार्स ले जाना चाहता है, स्टारलिंक जिससे सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता है, सोलर सिटी जिससे वो सोलर एनर्जी के इनोवेटिव नए सॉल्यूशंस इन्वेंट करना चाहता है, और द बोरिंग कंपनी जिससे वो एक अंडरग्राउंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहता है। और बाय द वे, ये बोरिंग वो बोरिंग के पानी वाला बोरिंग है, ये वो बोरिंग नहीं है जो कि हमारी वीडियोस कभी भी नहीं होती। लेकिन जैसा कि आप समझ चुके होंगे, इलॉन मस्क टेक की दुनिया का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नाम है, और इस वक्त 2021 में टेक में जो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां आपके घर के सारे अप्लायंसेस स्मार्ट होंगे और इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, और इन तीनों चीजों का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो है रोबोट्स। तो कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क ने टेस्ला के एक इवेंट पे टेस्ला रोबोट अनाउंस किया, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इसका फॉर्म एक इंसान जैसा है, जहां इसके हाथ हैं, इसके पांव हैं और इंसानों जैसी जसामत है। और इसे डिजाइन किया गया है वो चीजें करने के लिए जो हम इंसानों के लिए या तो बहुत ही बोरिंग हो, या फिर बार बार करनी पड़ती हो, यानी कि रिपेटेटिव हो, या फिर खतरनाक हो। तो अगर भाभी के कपड़े आज अच्छे नहीं लग रहे और आप उनको बता नहीं सक रहे, तो आप इस रोबोट को कह सकते हैं। अगर इस रोबोट के स्पेक्स और फिजिकल डिमेंशंस की बात करें, तो इसकी लंबाई 5'8" होगी और वजन तकरीबन 56 किलोग्राम होगा। इसकी चलने की स्पीड को 5 miles per hour पर लिमिट किया गया है, और ये रोबोट 20 किलोग्राम तक का वजन उठा सकेगा। अब यहां आप जरूर सोच रहे होंगे कि यार, इस रोबोट को तो बहुत ही कमजोर बनाया गया है, लेकिन ये बाय डिजाइन है। इसकी पावर को लिमिटेड रखा गया है ताकि आप इसको आउटरन कर सकें या फिर इसको ओवरपावर कर सकें, ताकि ये कहीं आपको चंबे छंबे ना करा दे। इस रोबोट में 40 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स होंगे, जिनके जरिए ये मूव करेगा, और ये रोबोट अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस भी कर सकेगा ताकि उसमें ऑपरेट कर सके। फिर यहाँ इसके चेहरे पे एक स्क्रीन होगी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि टेस्ला तो एक गाड़ियों की कंपनी है, तो फिर रोबोट्स क्यों? तो उसका सिंपल जवाब ये है कि टेस्ला की गाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा है उनका सॉफ्टवेयर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी कि वो गाड़ियां जो ड्राइवर के बगैर चल सकती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में टेस्ला इस वक्त लीड कर रही है। और अगर सोचा जाए तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक तरह से एक रोबोट ही है, तो उस नजरिए से इस चीज का सेंस समझ में आता है। लेकिन फिर और भी सवाल है कि ये रोबोट्स कितने सेफ होंगे। हर कोई चाहता है कि टर्मिनेटर टाइप की कोई सिचुएशन ना हो जाए, लेकिन मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो ये है कि क्या इंसानों के जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स एफिशिएंट होंगे कि नहीं? क्या वो रोबोट बेहतर है जो एक काम के लिए डिजाइंड होता है और उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली कर सकता है, या फिर वो रोबोट जो इंसानों की तरह दिखता हो और उसको डिजाइन किया गया हो हर किस्म के काम करने के लिए, और क्या ये चीज मुमकिन है भी कि नहीं? प्रेजेंटेशन की हद तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पे क्या अपडेट्स आते हैं, कितने प्रॉमिसेस पर टेस्ला डिलीवर कर सकती है। रियल वर्ल्ड ऑपरेशन और मूवमेंट में जब एक रोबोट आता है तो उसके बहुत सारे और भी चैलेंजेस होते हैं, जो कि शायद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ना फेस करने पड़ते हो। लेकिन देखते हैं कि अब फ्यूचर में इसमें क्या अपडेट्स आते हैं। फिर हमारा दूसरा न्यूज आइटम है गूगल के टेंसर चिप्स पे। हाल ही में गूगल ने अपने पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो डिवाइसेज अनाउंस कर दिए हैं, और दुनिया भर की टेक कम्युनिटी इनके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि गूगल की ये पिक्सल लाइनअप अपने स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और अपनी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है। गूगल दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनने एंड्रॉयड भी बनाया है, और इनके फोन्स के जो AI एल्गोरिथम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन जो चीज लोगों को ज्यादा एक्साइट कर रही है वो है कि गूगल ने अनाउंस किया है कि इस फोन में इनका अपना टेंसर चिप लगाया जाएगा, यानी कि ये इनका अपना खुद का डिजाइन किया हुआ चिप है। ये 5 नैनोमीटर का ऑक्टोकोर चिप है, जिसे सैमसंग के साथ बनाया जा रहा है। इस वक्त इसके कोई बेंचमार्क्स या परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गूगल क्लेम करती है कि ये पिक्सल फोन्स में सबसे फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट चिप्स होंगे। लेकिन क्योंकि ये सैमसंग के साथ बनाए जा रहे हैं, मुमकिन है कि इन चिप्स में सैमसंग के एक्सिनोस चिप्स से कुछ सिमिलैरिटीज हो, लेकिन अल्लाह करे कि ये चिप्स एक्सिनोस जैसे ना हो।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गूगल को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो गूगल ने इसका रीजन ये बताया है कि इनके पिक्सल फोन्स की बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस की वजह है इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स, और अब तक इनकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की वजह से लिमिट होती रही है, खासकर फोटोज और वीडियोज के AI एल्गोरिथम्स में। तो इस टेंसर चिप का मकसद ये है कि गूगल का अपना कंट्रोल हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे कि एप्पल का है, और इसके जरिए दिए जाए बेहतर फोटोज और वीडियोस के फीचर्स और बेहतर क्वालिटी। और ये चिप्स इस साल के फोर्थ क्वार्टर में गूगल के पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो डिवाइसेस के साथ मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे। हमारा तीसरा न्यूज आइटम है कि शाओमी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना मी का ब्रांड खत्म कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शाओमी के इस वक्त दो मेन ब्रांड्स हैं, रेडमी और मी। Redmi में Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 दोनों ही बहुत ब्लॉकबस्टर डिवाइसेस थे, और उन दोनों की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज मैं चैनल पे कर चुका हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करना चाहते हैं। फिर दूसरी लाइनअप है मी, जैसे कि मी 11 Lite जिसको हमने कुछ अर्से पहले ही चैनल पे अनबॉक्स किया था। फिर पोको भी है, लेकिन वो अब एक सेपरेट कंपनी हो चुकी है। तो 15 सितंबर 2021 से मी का ये ब्रांड नेम खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह Xiaomi इस्तेमाल किया जाएगा। तो मी मिक्स 4 हो जाएगा Xiaomi मिक्स 4, और मी के जितने भी ग्लोबली स्टोर्स हैं वो सारे Xiaomi स्टोर्स बन जाएंगे। और Xiaomi ने इसकी वजह बताई है कि वो अपनी ब्रांड इमेज को यूनिफाई करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि मी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम था, बहुत से लोग तो इसको सही तरह बोल भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान पे आम तौर पे इनको MI बोला जाता था। तो अब आप लोग तैयार हो जाएं कि फ्यूचर में Xiaomi के सारे फोन्स या तो Xiaomi होंगे या फिर Redmi होंगे। और इसके बाद है हमारा न्यूज आइटम WhatsApp के टैबलेट सपोर्ट पे। तो आपको तो पता है WhatsApp अब हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। कुछ अर्से पहले WhatsApp को Facebook ने अक्वायर कर लिया था, और तब से WhatsApp को Facebook के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, WhatsApp बिजनेस भी लॉन्च कर दिया गया है, और इस वक्त दुनिया में WhatsApp सबसे डोमिनेंट मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। तो जाहिर है कि बहुत अरसे से लोग WhatsApp में मल्टी डिवाइस सपोर्ट मांग रहे थे, यानी कि इस वक्त आपके फोन पे लगा WhatsApp सिर्फ उस एक फोन पे चल सकता है। ये जरूर है कि आप WhatsApp वेब के जरिए अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में WhatsApp को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नेटिव सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक वर्क अराउंड है। तो कुछ दिन पहले WA बीटा इन्फो ने अपने ट्विटर पे बताया कि WhatsApp अब मल्टी डिवाइस 2.0 पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत जल्द अपने फोन पे लगे WhatsApp अकाउंट को अपने iPad के साथ लिंक कर सकेंगे, और फ्यूचर में ये फीचर Android टैबलेट्स पे भी आ जाएगा। बाय द वे, ये WA बीटा इन्फो एक बहुत ही मशहूर ट्विटर अकाउंट भी है और एक वेबसाइट भी, जो कि WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स पे इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इनके मुताबिक WhatsApp के एक और नए फीचर पे भी काम हो रहा है, मैसेज रिएक्शंस। ये वैसे ही है कि अगर आप हमारा Facebook पेज फॉलो करते हो तो किसी भी वीडियो के नीचे कोई कमेंट आता है तो उस पर आप लाइक कर सकते हैं, या उसको हार्ट दे सकते हैं, या कोई भी इमोजी दे सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आप इसको भी जाके लाइक कर सकते हैं। कैसा दिया। बाय द वे, अगर आप अपना WhatsApp हैक होने से बचाना चाहते हैं या फिर दूसरी अपडेट्स चाहते हैं WhatsApp पे, तो इसमें मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं। मैं वो WhatsApp की हैकिंग वाली वीडियो इधर कार्ड में छोड़ दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं ताकि आप अपना WhatsApp सेफ रख सकें। ये थी टिकटैक एपिसोड 1। मैं इसको चैनल पे एक रेगुलर सीरीज बनाऊंगा और कोशिश रहेगी कि सेम दिन इनको अपलोड किया जाए। कोई भी फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।